आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 विद्युत धारा, करेंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आप लोग तो जानते ही होंगे विद्युत धारा क्या होती है। किसी भी तार में जो धारा प्रवाहित होती है उसको बोलते हैं विद्युत धारा, है कि नहीं? किसी किसी को शौक तो लगता है ना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं विद्युत धारा। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या होता है। विद्युत धारा आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं हम लोग? विद्युत धारा कहते हैं। मीन्स कोई सा भी चालक के अंदर जो आवेश प्रवाहित होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। ठीक है, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक, धारा I इक्वल टू क्या होता है? आवेश बटे समय। मीन्स आवेश प्रवाह की दर, ये तो आवेश है, उसकी दर मीन्स जितना समय में क्या है आवेश जो बहती है उसको हम लोग बोलते हैं धारा। आवेश अगर चालक के अंदर क्या है जितने भी आवेश की प्रवाह होती है उसको हम लोग बोलते हैं विद्युत धारा। ठीक है, हाँ, अब ध्यान देने वाली यहाँ पे यह एक बात है कि विद्युत धारा का प्रवाह हमेशा धनावेश की तरफ होता है, कभी भी ऋणावेश की तरफ नहीं होता है। और इलेक्ट्रॉन हमेशा विपरीत धारा के, विद्युत धारा के हमेशा क्या होती है? विपरीत दिशा में ही प्रवाहित होती है। ठीक है, विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है हमेशा धनावेश की तरफ होता है, और जबकि इलेक्ट्रॉन क्या है उसके विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। मान लो दो चालक, यहाँ पे ए है यहाँ पे बी है। ठीक, ये इसमें क्या है? धनावेश है और इसमें ऋणावेश है। ठीक है, तो हमारी जो इलेक्ट्रॉन की दिशा होगी वो क्या होगी? इधर की ओर होगी, जबकि विद्युत धारा की दिशा किधर होगी? इधर होगी, धनावेश की। ठीक है, तो यहीं से पता चलता है कि ये जो है विद्युत धारा की दिशा किधर है? हमेशा धनावेश की तरफ होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है मीन्स ऋणावेश की जो दिशा होती है वो विद्युत धारा के हमेशा विपरीत दिशा में होती है। ठीक है, और ये जो आदान प्रदान, ये जो इलेक्ट्रॉन है या फिर धनावेश है, इसका तब तक होता रहता है जब तक कि इन दोनों का विभवांतर समान न हो जाए। विभवांतर मीन्स दो बिंदुओं के विभव में अंतर, है कि नहीं? तो ये क्या होता है? आवेश प्रवाह की दर को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक के अंदर जितनी आवेश प्रवाह होती है वह उसकी क्या कहलाती है? विद्युत धारा। ठीक है, इसको आप धारा को डिनोट करते हैं आई से, तो आई आवेश को क्या से डिनोट करते हैं? क्यू से, समय को टी से। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, ये जो है इसका फॉर्मूला है। ठीक, अब इसका यूनिट क्या होता है? धारा का जो यूनिट होता है वो SI यूनिट होता है, वो क्या होता है? एम्पियर होता है। ठीक है, हाँ, अब देखो यदि समय टी, स्मॉल टी, समय अंतराल टी प्लस डेल टी। ठीक है, किसी चालक में अगर समय टी और दो उनके समय में जो अंतराल आएगा मीन्स कुछ देर बाद अगर हम लोग चेक करेंगे, ठीक है, डेल क्यू, उस पर आवेश क्या हो जाएगा? डेल क्यू। तो उसमें जो समय अंतराल होगी उस चालक में डेल टी है, तो उसमें बहने वाली धारा क्या होगी? आई इक्वल टू डेल क्यू अपॉन डेल टी हो जाएगा, या फिर डी क्यू अपॉन डी टी हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग किसी चालक में चेक करते हैं कि इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, अगर पहले चेक जैसे ही उसको विद्युत धारा से कनेक्ट किए किसी चालक को, उसके बाद कुछ समय अंतराल, कुछ समय के बाद क्या करते हैं हम लोग उसमें विद्युत धारा प्रवाहित बंद कर देते हैं। ठीक है, और उस पर आवेश जो है कुछ, अब देखो समय में अंतर आएगा तो उसमें आवेश में भी कुछ ना कुछ अंतर आएगा। जैसे ही हम लोग उसको तो चालक को विद्युत धारा उसमें प्रवाहित करते हैं तो उसमें जो समय आएगा, ठीक है, अंतराल आएगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? डी क्यू अपॉन डेल टी मीन्स उसमें परिवर्तन की दर आएगी, तो वो होगी, ठीक है, धारा आई मीन्स इसमें क्या है? ये जो है आवेश में परिवर्तन होगा तो समय में भी परिवर्तन होगा, यही इसमें बताना चाह रहा है। ठीक है, अब देखो धारा घनत्व क्या होता है। किसी चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल से बहने वाली धारा उस बिंदु का विद्युत धारा घनत्व कहलाती है। ठीक है, धारा घनत्व। अब देखो अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल क्या है? इसका मतलब कि मान लो ये एक दिया है क्षेत्रफल, ठीक है, इसके अंदर, ठीक है, मीन्स इसके अंदर जो बहेगी धारा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। ठीक है, देखो अब देखो हम लोग का जो डायग्राम होता है दो दो टाइप का होता है। ठीक है, डायग्राम या फिर कोई सा भी चित्र होता है, ठीक है, दो टाइप का होता है, या तो 2D होता है
या तो 3D होता है, द्विविमीय या त्रिविमीय। ठीक है, तो द्विविमीय को हम लोग बोलते हैं त्रिविमीय मीन्स 3D डायग्राम को हम लोग बोलते हैं अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। ये देखो, ये मान लो, ये एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, जैसे कि ये है मेरा 2D डायग्राम। ठीक है, मीन्स ये द्विविमीय है, और ये जैसे इसको ऐसे बनाया, ऐसे, तो ये क्या हो गया, त्रिविमीय हो गया, मीन्स ये 3D है। ठीक है, तो इसमें जो इसका अंदर में हम लोग जो भी लेंगे तो वो कहलाएगा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। और अगर मान लो इसको काट दिए, ठीक है, तो काट दिए, 3D को काटे, तो वो कहलाता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल के लेते हैं खीरा, खीरा को हम लोग अगर काटेंगे तो वो जो आएगा उसका कटिंग वाला पार्ट जो आएगा तो इतना मोटा रहेगा, या फिर जो भी पतला भी रहेगा तो उसमें और सारे बहुत सारे लेयर होते हैं, तो उसके अंदर हम लोग कोई सा भी अगर बिंदु लेते हैं तो वो क्या होगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहलाएगा। मीन्स हम लोग 3D को, त्रिविमीय को अगर काटते हैं तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहलाता है, और अगर नहीं काटते हैं तो अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कहलाता है। मीन्स ये भी एक 3D है। ठीक है, ये देखो, यहाँ पे एक चालक जो लिए हैं ये भी एक 3D है। ठीक है, जो हम लोग तार देखते हैं, तार के बाहर का जो सिरा होता है वो ऐसे ही होता है। ठीक, तो वो कहलाता है अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। ठीक, समझ आया ना अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। ठीक है, तो किसी चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल से बहने वाली धारा उस बिंदु का विद्युत धारा घनत्व कहलाती है। मीन्स इसका जो बिंदु है, पर्टिकुलर बिंदु में, वो क्या कहलाएगा, विद्युत धारा घनत्व कहलाएगा। ठीक है, अनुप्रस्थ परिच्छेद मीन्स ये जो है, इस परिच्छेद से बहने वाली जो धारा, इसमें जितना भी विद्युत धारा प्रवाहित होगी, इस बिंदु का क्या कहलाएगी, विद्युत धारा घनत्व कहलाएगी। ठीक है, अब देखो धारा घनत्व का हम लोग डिनोट करते हैं, जैसे जे इक्वल टू क्या हो जाएगा, I/A, जहां पे I क्या है, विद्युत धारा है, और A क्या है, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है। ठीक, अब देखो हम लोग जानते हैं धारा I इक्वल टू क्या पढ़े हैं, Q/T। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको तो हम लोग I/A है, जे इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q/AT, I का मान रखेंगे Q/T। ठीक है, तो Q/T, तो J इक्वल टू क्या हो जाएगा, A/T। ठीक है, A, और इसका यूनिट क्या होगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, समझ आया सबको। हाँ, अब देखो किसी विद्युत धारा का किसी चालक में प्रवाह, ठीक है, किसी चालक में विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होती है, इसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि कोई सा भी जो पदार्थ होता है उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, और क्या होता है उसमें, होता है कोई सा भी पदार्थ होता है उसमें अणु और परमाणु होते हैं। ठीक है, तो परमाणु जो है, परमाणु के आसपास जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो प्रत्येक परमाणु जो है, परमाणु जो इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण विद्युत बल का अनुभव करता है। समझ आया कि नहीं, पदार्थ के अंदर क्या होता है, अणु और परमाणु होते हैं, परमाणु के आसपास यदि इलेक्ट्रॉन हो तो वो परमाणु क्या करेगा, विद्युत बल का अनुभव करेगा। ठीक है, और जो वो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या है, परमाणु से बंधे नहीं रहते हैं। ठीक है, अब देखो परमाणु के आसपास है, मीन्स परमाणु क्या करेगा, विद्युत बल का अनुभव तो करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जो है विद्युत क्या होते हैं, परमाणु से बंधे रहते हैं या फिर तो चिपके रहते हैं। ठीक है, तो ये जो है परमाणु जो है क्या होते हैं, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन के कारण जो परमाणु होंगे वो आसपास में क्या करेंगे, उसके आसपास में इलेक्ट्रॉन होंगे परमाणु के, तो वो जो है परमाणु विद्युत बल का अनुभव करेंगे। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि उसके प्रभाव के कारण यहाँ पे जो अणु होंगे वो अनियमित गति करेंगे। ठीक है, तो वो गति क्या कहलाएगी, विद्युत धारा के चालक में प्रवाह होगी। वैसे ही तो ये किसके कारण होगा, यहाँ पे एक तापीय ऊर्जा के कारण यह सब हो
होता है। ठीक है, मान लो किसी चालक को हम लोग विद्युत धारा से जोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। मान लो तार को हम लोग विद्युत धारा से जैसे जोड़ेंगे तो आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि वह तार जो है गर्म हो जाता है। ठीक है, और जब हम लोग क्या करते हैं, विद्युत धारा को उस परिपथ से हटा देते हैं तो वो तार जो है या कोई सा भी चालक या फिर तार जो है क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ठीक है, मीन्स अगर हम लोग किसी चालक को अगर विद्युत धारा उसमें जोड़ते हैं तो वो क्या होता है, गर्म होता है, और जब हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित बंद कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है चालक। ठीक है, तो उसमें क्या होती है, अणुओं की गति होती रहती है। ठीक है, तो ये जो है अगर विद्युत धारा उसमें प्रवाहित नहीं हो रही है, मीन्स उसमें इलेक्ट्रॉन की गति नहीं हो रही है। ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने पर वहां पे इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है, शून्य होती है। ठीक है, समझ आया कि नहीं। मीन्स विद्युत धारा का प्रवाहित किसी भी चालक में किस प्रकार होता है, क्या होता है, कोई से भी पदार्थ है उसमें अणु और परमाणु दोनों होते हैं। ठीक है, तो अगर आसपास यदि कोई इलेक्ट्रॉन है तो परमाणु क्या करते हैं, विद्युत बल का अनुभव करते हैं। ठीक है, तो उसमें अणुओं की जो है गति होती है, और वो गति कैसी होती है, अनियमित गति होती है। ठीक है, तो वो होती है विद्युत धारा का प्रवाह। ठीक है, और उसमें इलेक्ट्रॉन जो है उसमें गति करते रहते हैं। ठीक है, और जब विद्युत धारा को उसमें जोड़ा नहीं जाता है तब इलेक्ट्रॉनों की गति जो होती है वो शून्य होती है। ठीक, समझ आया कैसे होती है किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह। ठीक है, अब देखो अनुगमन वेग, अब देखो इसमें क्या है, अनियमित गति कर रहे हैं अणु। ठीक है, लेकिन जब ये नियत औसत वेग से गति करेंगे तो वो कहलाएगी अनुगमन वेग कहलाएगी। ठीक है, इनको एक औसत नियत वेग से तो गति करना ही पड़ेगा, अनियमित गति करेंगे। ठीक है, तो कैसे कैसे उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। ठीक है, तो जो ये जो है एक औसत वेग से, पर्टिकुलर वेलोसिटी से जब ये गति करेंगे तो वो क्या कहलाएगी, अनुगमन वेग कहलाएगी। ठीक है, इसमें देखो अनियमित गति है, लेकिन एक ऐसा समय आएगा जब इसको क्या है, औसत वेग से गति कराना पड़ेगा, तो वो औसत वेग क्या कहलाएगी, अनुगमन वेग कहलाएगी। ठीक है, समझ आया ना। ठीक, अब देखो धारा और अनुगमन वेग में संबंध क्या होता है। मान लो एक चालक पी क्यू है, पी और क्यू एक चालक है। ठीक है, और इसमें क्या हो रही है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो जिस दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो उसके विपरीत दिशा में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। मीन्स यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अनुगमन वेग जो है उसके विपरीत दिशा में प्रवाहित होगी। देखो चालक के अंदर विद्युत धारा इस डायरेक्शन में प्रवाहित हो रही है, तो अनुगमन वेग इस डायरेक्शन में प्रवाहित हो रही है। ठीक है, और इस चालक की जो लंबाई है वो क्या है, एल है। ठीक है, और इसमें अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मीन्स मैं पहले बता चुका हूँ, 2D और 3D। ठीक है, तो ये जो है 3D है। अब देखो ये जो है ऐसा भी 3D हो सकता है। ठीक है, इसके नीचे उधर का हिस्सा, ये जो है इसके नीचे वाला लेयर जो है दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो ये भी 3D है, ये भी 3D है, इसका तो दिख रहा है लेकिन इसका नहीं दिख रहा है, तो ये भी 3D है। ठीक है, मीन्स त्रिविमीय है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मान लो चालक क्या है, पी क्यू है, इसकी लंबाई एल है। ठीक है, और इसमें अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है। ठीक है, तब इस पर आयतन क्या होगा, ए इंटू एल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यदि चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि एन है, ठीक है, और इस पर इलेक्ट्रॉन जो है ई है। ठीक है, तो अब इस पर कुल आवेश क्या हो जाएगा, ए एल एन ई, जहां पे ए क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, एल क्या है, इसकी ये जो चालक है उसकी लंबाई है, एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और ई क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अब देखो मान लो यदि इस चालक को हम लोग क्या करते हैं, एक विद्युत परिपथ में कनेक्ट कर देते हैं, एक बैटरी सोर्स से जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये जो धनावेश है इसको चालक को पार करना पड़ेगा। ठीक है, धनावेश जब आके ऋणावेश से मिलेंगी तभी क्या होगा, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी। कोई सा भी चालक में अगर धनावेश और ऋणावेश नहीं है तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, तो अब देखो इसको यहां से इस चालक, ये धनावेश को इस चालक को पार करने में कुछ ना कुछ समय लगेगा, चाहे वो मिली सेकेंड क्यों ना हो। ठीक है, तो
तो जब ये आके रीडावेश से मिलेंगी तभी इसे विद्युत धारा प्रवाहित होगा। ठीक है, तो इसको यहां से यहां तक आने में कुछ ना कुछ समय लगा। ठीक है, तो अब देखो यदि बैटरी को बैटरी से जोड़ा जाए चालक को, तो चालक को पार करने में लगा समय टाइम टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल अपॉन वी डी हो जाएगा, जहां पे एल क्या है ये चालक की लंबाई है और वी डी क्या है अनुगमन वेग है। ठीक, तो हम लोग जानते हैं धारा आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्यू इक्वल टू क्या है, कुल आवेश ए एल एन ई है, जबकि समय क्या है टी है। ठीक है, तो टी इक्वल टू क्या है, एल अपॉन वी डी है। ठीक है, दोनों का वैल्यू पुट करो, ए एल एन ई अपॉन एल अपॉन वी डी। अब देखो यहाँ से एल कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ पे ए एन ई बचा, नीचे में वी डी, तो वी डी क्या है ऊपर में चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या हुआ एन ई ए वी डी। यही क्या होता है, धारा और अनुगमन वेग में संबंध है। ठीक है, धारा और अनुगमन वेग में संबंध क्या आया, एन ई ए वी डी आया। ठीक है, अब देखो धारा घनत्व जे इक्वल टू क्या होता है, धारा घनत्व जे इक्वल टू आई अपॉन ए, जहां पे आई क्या है, आई धारा है, ए क्या है अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई का वैल्यू तो आया है एन ई ए वी डी अपॉन ए हो गया। ठीक है, तो ए से ए जो है कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या एन ई वी डी। यही क्या है, धारा और अनुगमन वेग में संबंध है। ठीक है, समझ आया कि नहीं, एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं, उसके बाद पूरा समझ आ जाएगा। विद्युत धारा क्या होती है, आवेश प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, आवेश धारा I इक्वल टू क्या हो जाएगा, आवेश Q अपॉन समय T। ठीक है, और देखो एक चीज याद रखना, हमेशा विद्युत धारा का प्रवाह हमेशा धनावेश की ओर होती है, और इलेक्ट्रॉन की जो प्रवाह होती है विद्युत धारा के हमेशा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। ठीक है, अगर हम लोग किसी भी परिपथ में, अगर किसी भी चालक में अगर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, कुछ समय पश्चात अगर उसमें समय अंतराल चेंज करते हैं तो क्या होता है, उसके बाद उसमें चेक करते हैं कि उसमें तापीय ऊर्जा कितनी है, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी क्यू अपॉन डी टी हो जाएगा। ठीक है, धारा घनत्व तो क्या हो जाएगा, अनुप्रस्थ परिच्छेद से बहने वाली जो धारा है उस बिंदु, मीन्स पर्टिकुलर बिंदु, यहाँ पे जो एक पर्टिकुलर बिंदु लेंगे, ठीक है, तो वो जो है धारा घनत्व कहलाएगी। ठीक है, तो धारा घनत्व तो जे इक्वल टू क्या हो जाएगी, आई अपॉन ए, आई आई क्या है विद्युत धारा है, ए क्या है अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो धारा आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी होता है। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट आप लोग ये भी जान सकते हो, जे इक्वल टू आई अपॉन ए, जे क्या होता है स्मॉल होता है, जो क्या है धारा घनत्व है। ठीक है, तो धारा आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, जे इक्वल टू क्या जाएगा, अब देखो आई का मान रखेंगे क्यू अपॉन टी, तो क्यू अपॉन ए टी हो जाएगा। ठीक है, अब विद्युत धारा किसी चालक में प्रवाह क्या होता है, कोई सा भी चालक है उसमें क्या है अणु और परमाणु दोनों होते हैं। ठीक है, तो यदि जब इलेक्ट्रॉन परमाणु के संपर्क में आते हैं तो क्या करते हैं, वहां पे जो अणु होते हैं वो अनियमित गति करते हैं, वो क्या कहलाता है, विद्युत धारा का प्रवाह कहलाता है। ठीक है, अनुगमन वेग, ये जो अणु जो है एक नियत औसत वेग से तब जब तक गति ना करे, ठीक है, जब गति करते हैं तो उसको जो है नियत एक औसत वेग से गति करते हैं, उसको अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक है, अब देखो धारा और अनुगमन वेग में संबंध। ठीक है, मान कोई चालक लेते हैं जो पी क्यू है और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी, ठीक है, तो क्या होगा, इसकी जो लंबाई है वो एल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, तब इस पर आयतन क्या हो जाएगा, ए इंटू एल हो जाएगा। अब देखो मान लो इसी चालक में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन है और इलेक्ट्रॉन ई है, ठीक है, तो यहाँ पे कुल आवेश क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल टू ए एल एन ई हो जाएगा। ठीक है, जब इस चालक को विद्युत परिपथ से जोड़ा जाता है तो इसको पार करने में कुछ ना कुछ समय लगेगा, धनावेश को ऋणावेश तक जाने में। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, समय टी इक्वल टू एल अपॉन वी डी हो जाएगा। ठीक है, तो धारा, अब देखो धारा हम लोग जानते हैं, धारा आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी, आवेश बटे समय। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू का वैल्यू एल एन ई और टी का मान है एल अपॉन वी डी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन ई ए वी डी हो जाएगा। ठीक है, तो जे इक्वल टू क्या हो जाए, क्या होता है धारा घनत्व, तो ये तो है धारा और अनुगमन वेग में संबंध। अगर यहीं पे हम लोग धारा घनत्व निकालना चाहें तो जे इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई अपॉन ए एन ई ए वी डी अपॉन ए। ठीक है, तो यहाँ से ए से कैंसिल हो जाएगा, एन ई वी डी फिर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आया सबको, नोट्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू।